नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे MBBS डॉक्टर कैसे बने। दोस्त, MBBS डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले 12th पास करना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे कि CBSE, ICSE या फिर स्टेट बोर्ड। फिर आता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों, MBBS के लिए आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इंडिया में नीट, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो कि साल में एक बार होता है। फिर जब आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको MBBS करने के लिए कॉलेज मिलता है। दोस्तों, अगर नीट की एग्जाम की और डिटेल में बात की जाए तो नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जो MBBS और BDS के लिए होती है। इस परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। परीक्षा MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न फॉर्मेट में होती है। नेगेटिव मार्किंग होता है और हर गलत जवाब के लिए एक अंक काटा जाता है। आयु सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 12th पास होनी चाहिए। दोस्तों, MBBS कोर्स वैसे 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल की क्लासरूम स्टडी होती है और फिर 1 साल का कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप। दोस्तों, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 1 साल का होता है और इसके दौरान आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स में वर्क करना होता है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होती है मेडिकल रजिस्ट्रेशन। इंटर्नशिप पूरा करने के बाद आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI या स्टेट की मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद आप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल रजिस्ट्रेशन की और डिटेल में जाए तो मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी मेडिकल योग्यता को मान्यता दिलवाते हैं और आपको मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति मिलती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, जो अब नेशनल मेडिकल कमीशन NMC बन गया है, और राज्य मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। दस्तावेजों को तैयार करना होगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। सत्यापन और परीक्षण होगा और रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिन्यूअल प्रक्रिया भी है, जो कुछ सालों में राज्य मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार होती है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए और एडवांस कोर्सेज और ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी स्टेप्स पूरा करने के बाद आप एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। अब दोस्तों, अगर MBBS कोर्स की फीस की बात करें तो MBBS कोर्स की फीस अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग हो सकती है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस आमतौर पर निजी मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले कम होती है। सालाना फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ₹10,000 से 1 लाख तक होती है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में ₹5 लाख से शुरू होती है और 25 लाख तक जा सकती है। हॉस्टल फीस, मेस चार्ज, पुस्तकें और अन्य विविध शुल्क जैसे यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क आदि भी देने पड़ सकते हैं। ये फीस अनुमान है और फीस अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। अब हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।